2022 का जाड़े का मौसम बहुत फुल फ्लेज में आ गया है। दिसंबर का 15-16 तारीख हो गई है और बहुत कसके जाड़ा हम लोगों को लग रहा है। इस जाड़े के मौसम में खास तौर से जो हमारे ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए एक घर में गर्म हीटर होना बहुत ज़रूरी है। पहले के टाइम में हमारे आपके घरों में, हमारे दादी नानी के टाइम में कोयले जलते थे, लकड़ी जलती थी, घर बड़े बड़े होते थे, लेकिन अब उसका रूप हीटर्स और जो ब्लोअर्स हैं उन्होंने ले लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ये चलने वाली चीज़ें होती हैं और बहुत सेफ़ होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, छोटे बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है और कड़ाके की जो ठंड पड़ रही है उसके अंदर आपको ये ब्लोअर बहुत आराम देने वाला है। हमारी पहले की भी वीडियोस में ब्लोअर और हीटर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए वीगार्ड का बहुत अच्छा ब्लोअर हीटर, जो कि मात्र आपका आता है 2599 रुपए के अंदर। और आइए इसकी पूरी वीडियो बताएंगे आपको, पूरी डिटेल बताएंगे, इसका एक रिव्यू आपको देंगे आज। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइज आप देख रहे हैं हमारे पास वी गार्ड ब्रांड का हीट कन्वर्टर 2000 वाट के अंदर ये आता है और कंपनी से 1 ईयर्स वारंटी के अंदर आता है। सबसे बड़ी बात है जो इसका डिजाइन है, अभी हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और इसको ओपन करके हम देख लेते हैं कि इस बॉक्स के अंदर, क्योंकि पैकिंग आप देख रहे हो येलो ब्लैक कलर में वी गार्ड की जो ट्रेडिशनल पैकिंग है उस पैकिंग के अंदर आता है और काफी अच्छा इसका साइज जो बना हुआ है वो आता है। यहाँ पे हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है पूरा फुल पैकिंग के अंदर एक जो, आइए बॉक्स से इसको निकाल के आपको दिखा देंगे। इसके बॉक्स को रख देते हैं अलग, यहां से इसकी जो पैकिंग है उसको हटा लेते हैं। काफी अच्छी पैकिंग के अंदर कंपनी आपको ये देती है और इसको पूरा अनबॉक्सिंग करके आप दिखा देंगे। काफ़ी अच्छी पैकिंग कंपनी ने दी है, मैं अपनी पर्सनल रिकमेंड करूंगा आपको कम पैकिंग के मामले में वी गार्ड का बहुत अच्छा। ब्लोअर हीटर है आप देख सकते हो काफी अच्छी पैकिंग के साथ में, और इसका इंस्ट्रक्शन यूजर मैनुअल जो होता है वो कंपनी इसके साथ में देती है, जिससे आप काफी अच्छे से इसको समझ सकते हो और पढ़ सकते हो, ये इसका यूजर मैनुअल होता है। यहाँ पे इसको अलग रख देते हैं। सबसे बड़ी बात डिजाइन की बात कर लेते हैं, फुल स्टेनलेस स्टील का पूरा कवर सहित डिजाइन होता है इसके अंदर। फ्रंट से इसकी एयर आने की जो पावर होती है, जहाँ से गर्म हवा हमारे आपको मिलती है, जिससे हमें राहत जाड़ों में मिल जाती है, पूरा कमरा गर्म हो जाता है। साथ में यहाँ पे एक बढ़िया हैंडल लगा होता है जिसको आप आराम से उठा सकते हो और कहीं भी ले जा सकते हो, कैरी कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आपको पावर लाइट मिल जाती है, अगर आप इसको प्लग इन करेंगे तो यहाँ पे लाइट जल जाएगी। यहाँ पे आपका टेम्परेचर कंट्रोलर है, यानी फ़ैन स्पीड कंट्रोलर, यहाँ पे 1, 2 और सिर्फ फ़ैन, यानी तीन तरह से ऑप्शन इसमें मिल जाता है आपको। तीन तरह के ऑप्शन में आपको जो मिल जाता है कि सबसे बड़ी बात, अगर आप गर्मी वगैरह में इसको यूज़ कर रहे हो तो आपको गर्म चलाने की नहीं जरूरत है, सिर्फ फैन आप चला सकते हो। और इसको यहाँ पे सिर्फ फैन वाले ऑप्शन पे लगाओगे तो आपका सिर्फ फैन वर्क करेगा, यानी हवा आएगी लेकिन गर्म नहीं करेगा। फिर आप जैसे घर में बैठे हो जाड़े के मौसम में, आपने एक ऑन कर लिया और यहाँ पे हल्की गर्मी आपको महसूस होने लगेगी, हल्की गर्मी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए होता है, उनके लिए ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है। और फिर उसके बाद सेकेंड वाले ऑप्शन पे हमें बहुत ज़्यादा गर्मी मिल जाएगी, जिससे जो है गर्मी और कमरे का टेम्परेचर बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं सेकेंड, इसका जो बटन होता है यहाँ पे, ये हीट को बढ़ाने घटाने के लिए होता है, यानी टेम्परेचर कम और ज़्यादा करने के लिए। इसको आप इजीली सेट कर सकते हो और यहाँ पे लगा सकते हो। अब आते हैं थोड़ा सा साइड प्रोफाइल भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ से भी हीटिंग आने का प्रोसेस होता है और उसके बाद यहाँ पे इसके सीरियल नंबर वगैरह पूरी सेटिंग होती है, पूरा लगा होता है। और काफ़ी अच्छा 15 एम्पियर का आपको इसके अंदर एक प्लग भी मिल जाता है जो 15 एम्पियर का काम करता है। यहाँ पे आपको दिखा देंगे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक स्टैंड आपको मिल जाता है जो इजी होता है आपको ऐसे रखने के लिए। कई बार ऐसे होते हैं लोग नीचे रखे होते हैं और ऊपर बैठे होते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमने आपको इसकी पूरी डिज़ाइन दिखा दी है, इसका पूरा जो कंट्रोलर होता है, बटन्स होते हैं, बहुत सिंपल ऑपरेशन है।
और बहुत ही अच्छा, क्योंकि ब्रांड की बात है, वी गार्ड जैसा ब्रांड आज मार्केट में बहुत अच्छे से स्टेबल कर चुका है और अपनी एक वैल्यू बना चुका है हीटिंग प्रोडक्ट्स। और इसे गीजर ले लीजिए आप, किसके ब्लोअर ले लीजिए, हीटर्स ले लीजिए, बहुत अच्छे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात, इस वाले जो मॉडल है इसकी हीट कन्वर्टर की, इसकी जो हम बात कर लें, इसमें डबल प्रोटेक्शन होता है अगेंस्ट आपका ओवर हीटिंग। अगर आप लगा के काफ़ी हीटिंग पे भूल जाते हो तो इसके अंदर डबल प्रोटेक्शन लगा होता है जो आपको ओवर हीटिंग से बचा देगा। अपने आप कट हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, फिर से ऑन होगा, फिर कट हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा हीटिंग या जलने की प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली। आपको डिज़ाइन की बात कर लें अगर, तो डिज़ाइन आपने देखा कितना कॉम्पैक्ट और एलिगेंट डिज़ाइन है इसका। कॉम्पैक्ट और एलिगेंट डिज़ाइन होने के बावजूद आप अपने बेड पे रख सकते हो इसको, इसको आप अपने स्टडी टेबल पे रख सकते हो, कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छे से इसको अपने इस्तेमाल कर सकते हो। हैंडी इसके अंदर जो ये लगा हुआ है ऊपर से उठाने के लिए काफ़ी अच्छा, अभी हमने आपको पहले भी उठा के दिखाया था, काफ़ी अच्छा इसका ग्रिप है जो उठाने के लिए इसको होता है। तो वी गार्ड के साथ में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं आपको। और जो हमने आपको बताया, एक 1000 वाट की सेटिंग है और 2000 वाट की सेटिंग है, यानी दो तरह की सेटिंग पे ये आता है। अगर आपको कम पे चलाना है तो 1000 वाट की सेटिंग पे आप चला सकते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी आपको चाहिए, बहुत जाड़ा पड़ रहा है, तो आप 2000 वाट की सेटिंग पे इसको चला सकते हो। अगर ब्लोअर की बात कर रहे हैं आप, हीटर की बात कर रहे हैं, तो घरों में आवाज़ बहुत आती है, अगर आप रात के टाइम इसको यूज़ कर रहे हो और बैठे बात कर रहे हो तो इसमें आवाज़ें बहुत आती थी, इसको कंपनी ने बहुत कम नॉइस इसकी कर रखी है, लो नॉइस के साथ में आता है, आवाज़ आपको बहुत कम से कम मिल जाएगी। तो गाइस अगर हम बात करें जाड़ों की, क्योंकि हीटर और गीजर जो होता है वो जाड़ों में ही काम आता है, और अगर हम ब्लोअर हीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जाड़े की बात होती है, और जाड़े की जब बात होती है तो उसकी टाइमिंग की भी बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि टाइमिंग अगर बहुत देर लगाएगा कोई भी हीटर आपके कमरे को गर्म करने के लिए, या आपको जैसे आराम ना मिले, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी फास्टर हीटिंग है, कंपनी आपको लिख के देती है कि फास्टर हीटिंग करेगा, बहुत कम टाइम में आपके कमरे को गर्म कर देगा और आपको बहुत अच्छी सी राहत मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर अगर बात कर दें, इसके अंदर एक सबसे बड़ा ऑप्शन है, फैन ओनली मोड है। फैन ओनली मोड होता है, आपको हीटिंग नहीं देगा, हवा देगा केवल। गर्मियों में भी आप अगर यूज करना चाहते हो, या हल्के गुलाबी जाड़े के जो बात होती है वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो केवल हीटिंग मोड के अंदर। बात हमने आपको कर ली इसके हीटिंग मोड की, इसके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 2000 वाट का हीटर है, 1000 वाट की सेटिंग है, दो में से आप कोई भी अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, और कम से कम बिजली पे ये चलेगा आपका। फ्रंट की डिज़ाइन हमने आपको दिखा दी, इसके सारे फीचर बता दिए। अगर आप जाड़े के मौसम में एक अच्छा सा गीजर, एक अच्छा सा, अगर आप जाड़े के मौसम में एक हीटर लेने का सोच रहे हो, तो इस तरह के ऑप्शन के साथ में वी गार्ड का ये जो ब्लोअर हीटर है 2500 के अराउंड आपको आसानी से मिल जाएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। हमारे प्यार, हमारे चैनल पे बहुत सारा प्यार आप देते हो, बहुत सारी लाइक्स करते हो, शेयर करते हो, बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो पसंद आएगा तो शेयर जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आने वाले टाइम में हम आपके लिए लेके आने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे हीटर एंड गीजर्स, जाड़े के बहुत सारे होम अप्लायंसेस और किचन अप्लायंसेस, तो बने रहिएगा गाइस हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।